लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद से चुनावी दंगल शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर आई हैं और अपने अपने दांव पेंच आजमा रही हैं। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। कई मुद्दे गर्म हो चुके हैं, कुछ को चुनाव में हवा मिलेगी। इसकी एक झलक मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में देखने को मिली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन ने रविवार को मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति का हवाला देते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल ने शक्ति का जिक्र किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनकी ताल में ताल मिला दी। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी को परिवारवाद के बाद इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक और चुनावी हथियार मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में देश की मां बहनों को शक्ति स्वरूप बताते हुए इंडिया गठबंधन की चुनौती स्वीकार कर ली। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। पीएम मोदी के हमले तेज हुए तो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि मोदी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं तो शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। तो शक्ति को मैं और नरेंद्र मोदी जी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं तो मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है और भड़क जाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी चुनावी पारा भी हाई होगा। सवाल ये है कि राहुल के शक्ति वाले बयान ने क्या मोदी को ताकत दे दी है। ज्यादातर राज्यों में पार्टियों के बीच गठबंधन हो चुके हैं, कुछ जगह सीटों पर फैसला होना बाकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, इस चुनाव में कौन से फैक्टर चलेंगे। इंडिया गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मोदी के एनडीए के सामने क्या चुनौतियां हैं, आज के चुनाव अड्डा में हम इसी की पड़ताल करेंगे। 4 जून को मुकाबले का परिणाम आ जाएगा, हम लोगों के सामने होगा, क्योंकि महासंग्राम की घोषणा हो चुकी है, तारीखें बताई जा चुकी हैं और दोनों पक्ष अपने अपने तरकश के तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। इसी की प्रिपरेशन में राहुल जी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया और उसको धर्म से जोड़ के देखा। मौका था बीजेपी के लिए तो उन्होंने लपक लिया और उसको जनता के सामने रखा।
बार बार ऐसा होता है कि कुछ बात निकल आती है विपक्ष की ओर से जिसको बीजेपी लेती है और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट भी वही होता है। तो अब ये बार बार होता है कि बचना चाहिए ऐसे शब्दों से, लेकिन उन्होंने फिर वही किया जिसको बीजेपी ने अच्छे से लिया, और ये एक विपक्षी का काम भी होता है उसको खेले। लेकिन दो तीन और घटनाएं हुई जो आपको अपडेट के तौर पर बता दूं। एक तो बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है, एनडीए में 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान की पार्टी, 1 पर हम और 1 पर 40 का मामला सेट। पशुपति पारस जी को कोई सीट नहीं दी गई है, संभवतः तो मेरे सूत्र कहते हैं कि उनको शायद कहीं गवर्नर वगैरह बनाया जा सकता है, तो वो पार्ट ऑफ डील है, इसलिए वो इस फ्रे से बाहर है। अब जिसको कहते हैं कि औपचारिक तौर पर घमासान शुरू हो गया है शिवाजी पार्क की रैली से और फिर प्रधानमंत्री की रैली से, ये एकदम साफ हो गया कि अगले 40-50 दिन बहुत वैसे भी गर्मी मौसमी भी रहेगी और ज़्यादा गर्मी आपको तापमान महसूस हो सकता है, तो अपने एसी ठीक ठाक करा लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत रहने वाली है। इसी पर समझने की कोशिश करेंगे कि 400 पार में शक्ति किसके पास है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं और हाईकोर्ट लखनऊ में वकील भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सज्जन कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही निवेदन है मैं राजनीतिक दलों से, थोड़ा बस शब्दों की मर्यादा रखिएगा, बाकी ठीक है, चाहे जितनी आलोचना प्रत्यालोचना करते रहें। विजय जी एक छोटा कमेंट आपसे, फिर अपने पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिकल दोस्तों के पास जाता हूँ। 400 पार और शक्ति, क्या टिप्पणी है आपकी सर? देखिए नीरज जी, आपने पहले ही कहा कि शब्दों की मर्यादा, ये सारा खेल ही पॉलिटिकल गेम जो चल रहा है वो शब्दों की मर्यादा का चल रहा है। अब इस पर ये कहना कि प्रधानमंत्री आपके हर शब्द को कैच कर लेते हैं, लपक लेते हैं और उसको दूसरे तरह से बताते हैं, तो ये तो उनकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात है। ये मतलब कोई आरोप के तौर पर मैं नहीं देखता इसको। आपको ध्यान रखना, यदि आपके सामने वाला खिलाड़ी आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहा है या यूज कर रहा है, तो फिर आपको और ज्यादा मर्यादा, ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए कि किस तरह से होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले वो परिवार की बात हुई थी, जब इंडिया गठबंधन की एक और बड़े नेता ने परिवार की बात की थी प्रधानमंत्री पर, और वो देश भर में मोदी का परिवार बन गया, आपको याद है। चौकीदार चौर की किस्सा आपको पता ही है कि मैं चौकीदार हूं, वो चल रहा था। तो बेहतर हो कि आप ऐसे शब्दों से बचने की कोशिश करें। और दूसरा, मुद्दों पर आपसे नीरज जी इतनी बार चर्चा हुई है, हम लोग बार बार करते हैं, इंडिया गठबंधन कहता है कि हम मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं क्योंकि फेस तो है नहीं मोदी के खिलाफ, तो मुद्दों पर क्यों नहीं लड़ रहे, पहली बात यह है। दूसरी बात, 400 पार का भी जो बात हो रही है, 400 पार को मैं जुमला नहीं नारा कहता हूं, और वो प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी का लीडर है वो अपने वर्कर्स के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए और अपने वोटर के लिए, एंथू के लिए करता है, ताकि युद्ध में जब जाएं, जंग में जाएं, तो एक बड़े उत्साह के साथ जाएं, और 400 के नारे के साथ जाएं तो थोड़ा आगे बढ़ने का एक जो रास्ता है वो उसके वोटर को, वो उसके कार्यकर्ता को दिखाई देता है। 400 आएंगी कि नहीं आएंगी, किसके लिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते, इसलिए उस पर आपने शुरू बात 4 जून से की है, तो 4 जून को साफ हो जाएगा कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन वो उन्होंने एक एंथू दिया, एक माहौल बनाया, और उसका फायदा स्विंग वोटर्स के लिए भी होता है, जो स्विंग वोटर समझता है कि जीतने वाली पार्टी को वोट दिया जाए, तो वो 10-15% वोट जो है। अभी मेरे एक और मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो ओपिनियन पोल और सेफोलॉजी करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल में 20% वोटर जो है वो डोंट से कह रहा है। डोंट से का वो इस तरह से एनालाइज करते हैं कि ज्यादातर वोटर डोंट से वाला वो होता है जो किसी पावर से या किसी चीज से डरता है और वो उस वक्त नहीं बोलता। तो क्या वो 20% वोटर ममता बनर्जी का गणित बिगाड़ सकता है? उसको 20% ना माने, मैं 10% भी मान लूं कि उसमें से 10% इधर है, 10, तो भी क्या वो गणित बिगाड़ सकता है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और ये सब अब आपने अभी शुरुआत ही की कि बिहार में एनडीए का वो हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, मैंने दोपहर में वो खबर देखी, शाम को जब 4 बजे हुई है, तो क्या इंडिया गठबंधन कर रहा है? महाराष्ट्र की रैली बहुत अच्छी हुई है, मैं उसको बड़ी समझ रहा हूं, लेकिन शिवाजी पार्क से मुझे याद आया सर, 1984 में
जब बीजेपी दो सीटों पर आ गई थी, चुनाव हार गई थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी, लाखों लोग उसमें मौजूद थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे और जैसा कि आप उनको जानते हैं तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं जानता हूं कि आप लोग इतनी भीड़ इसलिए यहां आई है कि वो देखना चाहती है कि हारा हुआ वाजपेयी कैसा लगता है। इसको आप किसी रेफरेंस में मत जोड़िए, मुझे याद आ गया शिवाजी पार्क और 1984 की घटना। तो अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, देखते हैं आगे आगे कैसे चलते हैं, कौन कौन से और नए शब्द आते हैं, क्या क्या नारे आप गढ़ते हैं। जी नहीं, ये तो बहुत, अभी थोड़ा और जब परवान चढ़ेगा चुनाव तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनकी। अंशुल, ये राहुल जी हिंदू धर्म की शक्ति को क्यों हराना चाहते हैं, उससे क्यों लड़ना चाहते हैं, ये बार बार ऐसी गलतियां क्यों करते हैं आप लोग, कि आप लोग मतलब एक जानबूझ के ऐसा करते हैं क्या? अभी देखो त्रिवेदी जी ने दो तीन उदाहरण गिनाए आपके सामने, क्यों आप ने, अगर मान लीजिए नारे को भी आप वैसे ले तो आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि आप हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं? अंशुल जी, नहीं आपने फिर गलत समझ लिया जो कह रहे थे। देखिए, एक शक्तियां होती हैं जो बिल्कुल नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो नफरत फैलाती हैं, जो द्वेष, जो घृणा फैलाती हैं, जो हिंदू मुस्लिम करती हैं, जो सियासत में मजहब को ले आती हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है, जिसकी वजह से मुफलिसी होती है, जिससे वजह से मंदी होती है। जो मौजूदा हालात हैं वो शक्तियाँ ऐसे मौजूदा हालात को लेके आती हैं। जिक्र उन शक्तियों का हो रहा था, ऐसी शक्तियां हमेशा रही हैं, इस मुल्क में रही हैं, सब जगह रही हैं, और हमारा ये मकसद रहा है। और मीटिंग तो आपने देखी, वो हुजूम देखा, वो उत्साह देखा आपने, वो जोश आपने देखा, वो नारे आपने देखे वहां पर जो महागठबंधन की रैली थी। तो वो हम वैसी शक्ति लेके आए हैं, एक सकारात्मक शक्ति लेके आए हैं, हम एक पॉजिटिव शक्ति लेके आए हैं जो इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मक शक्ति को हरा दे, उसको शिकस्त दे। और ये हमारा धर्म को जोड़ने की क्या जरूरत है अंशुल, ये बात तो आप वैसे ही कह सकते हैं और कहते रहते हैं आप लोग, तो इसमें हिंदू धर्म एक शब्द शक्ति है, हम उससे लड़ रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत थी? फिर बाद में सफाई क्यों दे रहे हैं आपने, अगर सही कहा तो खड़गे जी भी दे रहे हैं और राहुल जी भी ट्वीट करके सफाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, सफाई की बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये शब्द है, ये मौजूद शब्द है, ये व्यापक एक इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, इसमें शब्दों की चयन की जो सतर्कता है वो यहाँ पर इसका प्रश्न नहीं उठता। और आचरण तो देखने चाहिए, अगर शब्दों की चयन की बात आती है तो प्रधानमंत्री के शब्दों के चयन के बारे में भी बात करनी चाहिए और लोगों के शब्दों के चयन की बात करनी चाहिए, जो भाजपा करती है, करती आई है यहाँ पर, और बहुत इसमें चर्चा भी हुई है, बहस बहुत ज्यादा हुई है, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वो इस तरह के ऐसे सस्ते और ऐसे कमजोर शब्द होते हैं कि उसके बहस करने की भी जरूरत नहीं। हमारा मकसद ये है, हमारा संकल्प ये है कि हम जो शक्ति लेके आए हैं उस शक्ति के साथ, उस शक्ति के बल पे हम इस चुनाव को जीतेंगे, और जो एक नकारात्मक शक्ति है इसको हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये घृणा फैला रही। अंशुल जी देखिए, आपने भी कितना तीन मिनट तो कम से कम बोला ही होगा, एक बार भी हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, नकारात्मक शक्ति से लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, सब बोल रहे थे आप, क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने? नीरज भाई, फिर आप ध्यान भटका रहे हैं, भटका रहे हैं, जो निचोड़ है गुरु, देखो अंशुल भाई क्या है, जो निचोड़ होता है कोई भी एक भाषण का, एक निचोड़ होता है। अगर आप शब्दों का चयन करेंगे, एक एक शब्द लेके उसका विश्लेषण करेंगे और कैसे करेंगे कि देखिए इससे ही विवाद पैदा हो रहा है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका एजेंडा होगा, वो किसी चीज का होगा, वो नहीं, मैं नहीं जानता। हम बिल्कुल साफ हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल साझा एक तरह से एक भाषण था, और उसमें जो कहा गया आप अच्छी तरह जानते हैं क्या कहा गया, वहां पर बहुत नारेबाजी भी हुई। और इतना ही नहीं, आप जितने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे राज्य से भी गुजरी थी, बिहार से, सासाराम से, वहीं पर मैं भी शामिल था, और जो मैंने उत्साह देखा और जो जुलूस वहां पर निकल के आए हमारे समर्थन में, और क्या वो थे, वो जो अन्याय है जो जी, अंशुल रुकिए ना, शक्तियां अच्छा बाई चांस जहाँ ये रैली हुई ना मुंबई में आपकी, उसके बहुत करीब मेरा घर है, वही रहता हूँ, वीकेंड में घर पे ही था,
तो खैर नहीं मतलब मैं से, नहीं मैं रैली में क्यों आऊंगा भाई, मैं पत्रकार लोग थोड़ी रैली में जाते हैं। पत्रकार तो नहीं, मैं तादाद में वहां पर थे। नहीं पत्रकार बहुत तादाद में, जो लोग कवर करने हमारे ग्रुप से गए तो वो थे, मैं नहीं था। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत करीब मेरा घर है, मैंने देखी है रैली। एनी वे खैर मैं वो नहीं जा रहा हूँ कि रैली क्या थी, मैं ये कह रहा हूँ अंशुल जी बताइए, जब आप चुनावी राजनीति में जाते हैं ना तो शब्दों का चयन और भाव का चयन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप भी यहाँ बैठ के सफाई दे रहे हैं, खड़गे जी भी सफाई दे रहे हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, ये सफाई आपको जनता को भी देनी पड़ सकती है। नहीं सुनिए पहले सर, मैं सवाल सुनिए, कार्यक्रम उसी पे कर दिया आधारित, मैं उस पर नहीं गया क्योंकि आज किसी बात को किया नहीं, बेरोजगारी पे न किया, न मंदी पे किया, न मुफलिसी पे किया, जो फर्जी आंकड़े आ रहे हैं तो ये करना चाहिए था ना आपको। राहुल जी जो बोले, आपके सबसे बड़े नेता जो कह रहे हैं तो उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि राहुल जी को इग्नोर कर दें हम, तो आप कहिए, अभी यही आरोप आप लगाएंगे राहुल जी की चर्चा बात ही नहीं करते। राहुल जी ने जो बोला मैं उसी पे बात कर रहा हूं, और सामाजिक अन्याय पे बात की ना उन्होंने, उनका पारा एक भाषण था सामाजिक अन्याय पे। हाँ। जो वो कर ये देखिए, ये यात्रा थी न्याय यात्रा, और सामाजिक अन्याय जो हो रहा है इस मुल्क में, जो ये जो जो, जो ये मरकजी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, जिसको ये छुपाना चाहती है, जो नजरअंदाज करना चाहती है, एनसीईआरटी में यहाँ पर जाति का वर्णन ही मिटा दिया गया है, जो भेदभाव हो रहा था आप ये जानते हैं, तो यहां पर उसकी चर्चा ही नहीं होती। तो हम उसकी चर्चा को जब सामने लेके आए तो ये तो भाषण का निचोड़ था ना। आप एक शब्द को लेके करने लगे विवाद, करने लगे कि ये कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं आप सफाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके प्रश्न ही ऐसे थे। आप सफाई नहीं दे रहे और क्या कर रहे हैं, मैं तो सिंपल से पूछा राहुल जी ने हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की बात क्यों कही, तो आपने मुझे इतनी देर से गिना दिया। और आप देखिए कितना स्मार्ट आदमी, एक बार भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको रियलाइज है कि ये गलती हो गई है, ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए। नहीं मैंने बोला कि ये जो पार्टी है, ये मजहब को लेकर राकेश त्रिपाठी जी सफाई दे रहे करेंगे, आप लोग भाव नहीं पकड़ रहे मेरा, और उस शब्द को लेकर के आलोचना की जा रही, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राकेश जी देखिए नीरज जी, एक तो पहली मेरी आपत्ति इस बात पर है, आपने भी मैं इसको बार बार कहा कि ये गलती है, ये गलती नहीं है, ये सोचा समझा किया गया अपराध है, और इस अपराध के पीछे एक विस्तृत रणनीति है, और वो रणनीति आपको पूरे इंडिया अलायंस में दिखाई पड़ेगी कि कैसे सनातन का अपमान करो, कैसे हिंदू का अपमान करो, और इस हिंदू के अपमान सनातन के अपमान के पीछे मजहबी तुष्टीकरण का इनका व्यापक एजेंडा है, कैसे ध्रुवीकरण किया जा सके। इसलिए जब राहुल गांधी को हम ये बात कहकर के क्षमादान करने की कोशिश करते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये राहुल के मुंह से गलती से निकल गया है, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ये राहुल गांधी का भाषण किसी और ने लिखा है, तो ये सारी बातें कह के हम राहुल गांधी को एक सेफ पैसेज दे रहे होते हैं, ताकि राहुल गांधी की इन गलतियों को, इन अपराधों को क्षमादान कर दिया जाए। ये गलतियां केवल नहीं है, ये एक सोचे समझे किए गए अपराध हैं, और इसी तरह के किए गए एक अपराध के लिए राहुल गांधी को देश की न्यायपालिका के द्वारा सजायाफ्ता किया गया है, दंडित किया गया है। लेकिन राहुल गांधी है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आते, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अभ्यस्त अपराधी है, लगातार इस तरह के अपराध करने का काम करते हैं। आप देखिए ना उनके तमाम सारे बयान को, मैं 100 से ज्यादा बयान राहुल गांधी कैसे कोट कर सकता हूं जिसमें राहुल गांधी ने जानबूझ करके लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का काम किया है, चाहे वो मंदिर में जाने वाले लड़के लड़कियां छेड़ते हैं का बयान हो, या सारे मोदी चोर है ऐसे बयान देने वाला बयान हो। राहुल गांधी के बयानों की एक लंबी फेहरिस्त है, या तो स्वीकार कर लें कि राहुल गांधी नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, राहुल गांधी राजनीति के लिए उपयुक्त तो नहीं है, राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती है, स्वीकार कर लें, उनको जो भाषा आती है उस भाषा में राहुल गांधी भाषण करें। राहुल गांधी हिंदी की केवल अज्ञानता के कारण ये भाषण नहीं करते हैं, जानबूझ करके पूरी योजना के तहत, एक रणनीति के तहत जानबूझ करके इस तरह के बयान देते हैं, और राहुल गांधी को इस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में वैष्णव, शाक्त और शैव ये संप्रदाय है, और शाक्त संप्रदाय में शक्ति की उपासना होती है, हिंदू में शक्ति की उपासना होती है, शक्ति को देवी, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती मानते हैं। ये सारी बातों को या तो कहे राहुल गांधी कि वो हिंदू के बारे में कुछ जानते नहीं है, वो हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते नहीं है, भारत की संस्कृति के बारे में कुछ जानते नहीं है, हिंदी शब्दावली के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो सीखने जाकर ना, प्रशिक्षण लेना इसका, भारत के कणकण में जाकर के ये जो भाव भावना है ना, इसको सीखे। और मुझे लगता है बेहतर ढंग से ये अंशुल जी जानते हैं ये पार्टी के नेता पढ़े क्यों नहीं पढ़े, जो राहुल गांधी के फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए टीवी डिबेट में आ जाते हैं। ये राहुल गांधी रोज रायता फैलाते हैं, और इनके तमाम प्रवक्ता पार्टी के नेता फैलाए हुए रायते को समेटने का प्रयास, इंटेंशनल है।
जानबूझ के आप लोग ऐसा करते हैं और बहुत ही यूजुअल ऑफेंडर हो गए राहुल गांधी जी, हर बार वो यही गलती करते हैं और बोलते रहते हैं। अच्छा नीरज भाई, कौन सी शक्ति की उपासना हो रही थी जब मणिपुर में ऐसे यहाँ पर इतना महिलाओं के प्रति शोषण हो रहा था? कौन सी शक्ति की उपासना हो रही थी जब बृजभूषण सिंह और की वजह से यहाँ पर महिला जो पहलवान थी वो रो रही थी, और वहां पर प्रधानमंत्री तो श्रेय भी लेते हैं कि जितने भी मेडल आए तो हमारी वजह से आए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मैदान। अंशुल, उसका इससे क्या लेना देना? अंशुल एक मिनट नहीं अंशुल यार, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात मत करो। इसका इससे क्या लेना देना? जो बलात्कारियों के साथ जब मोर्चे निकाले गए उनके समर्थन में कौन सी शक्ति की उपासना हो रही थी, आप मुझे बताइए कौन सी शक्ति। अच्छा ये बताओ, जब राजस्थान के मंत्री जी ने कहा था मर्दों का प्रदेश, यहाँ रेप होते रहते, तब कौन सी उपासना कर रहे थे? आप ये फिर यही नहीं, यही तो मैं करूँ ना, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात मत करिए, मुद्दे से अलग ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। बेरोजगारी नहीं, एक मिनट नीरज भाई, आप जानते हैं यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। आपका बिजनेस चैनल भी, आप रोज इसके बारे में बात करते हैं, उत्पादन कितना कम हो गया है, डेट टू जीडीपी रेशियो, आप सब कुछ जानते हैं, यहाँ कमर तोड़ महंगाई जो हो रही है वो गलत है ना, और ये गलत है सर, फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं आप, फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं, माफी, आप गूगल करो अभी तुरंत बैठे बैठे, आप इन्फ्लेशन का डेटा गलत बोल रहे हैं, मैंने डेटा अर्बन एम्प्लॉयमेंट का डेटा गलत बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग 10.5% है ये आप गलत बोल रहे हैं, सारे इकोनॉमिक डेटा आप गलत बोल रहे हैं। कहाँ बोला मैंने, आंकड़ों में तो नंबर में खेल में आया ही नहीं, मैंने बोला कमर तोड़ महंगाई या नहीं। अरे कैसे मान लूं मैं नंबर ने, अच्छा तरीका क्या मापने का, महंगाई मापने का क्या तरीका है नीरज भाई? सारे आंकड़े मुझे अच्छी तरह पता है, आप क्या बताएंगे मुझे? बताओ ना महंगाई कैसे मापी जाती, कहाँ है बहुत महंगाई, आप टेल मी। चलो 2004 से जोड़ते हैं और 2004 से जोड़े, चलिए मुद्दे पे आ गए, 2004 से 24 तक महंगाई लेते हैं। राहुल गांधी के बयान पर ही वापस लौट आइए, राहुल गांधी के बयान पर समझाइए, मुद्दे है ना इन पे बात करते हैं, जो नफरत फैलाई जा रही है उन पे बात करते हैं। आप शब्दों को लेके, शब्दों के चयन तो आप कर रहे हैं ना, शब्दों के चयन कोई और नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, आप शब्दों का चयन पे लेके एक उस पे आधारित एक पूरा शो कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं शो पे भी हूँ और मुझे ठीक है बहस करने में। विजय जी को लाइए स्क्रीन पे और मैं तो वकालत करूंगा ही अपने त्रिपाठी जी को लेके। त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए भाई, आर्थिक मुद्दों में तो मत बात करिए सर, आर्थिक मुद्दे आपने जो है तथ्य गलत दे दिए हैं तो उसको छोड़ दीजिए अभी, अब आइए पॉइंट पे, जो आपने ये वाला मुद्दा रखा इसका जवाब देंगे। राकेश जी बोलिए, राकेश जी कौन से तथ्य गलत रखे सर? महंगाई का आंकड़ा गलत बताया आपने, अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा गलत बताया आपने, मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा गलत बताया आपने सर। भाई मैं जो आंकड़े दुरुस्त है मेरे नहीं दुरुस्त है, आप क्या बताएंगे? मान लो ना यार आप, मैं ऐसे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं जिद करूंगा, आपने गलत आंकड़े दिए कि कमर तोड़ महंगाई कैसे पता चलेगी मुझे ये बताओ। एक मिनट अंशुल जी एक मिनट सुन लीजिए, नहीं देखिए ये बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे अंशुल भाई, एक मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और हम बिजनेस चैनल रन करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कि मैं कोई नंबर्स पे अगर मैं कमेंट करूं एज एन एंकर नीरज वाजपेयी, तो ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसको कॉन्टेक्स्ट पर रख दूं, वरना लोग कहेंगे देखो अंशुल जी को हराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं और देश भर में एकदम तबाही मची हुई महंगाई की। ऐसा नहीं है साहब अंशुल जी, एकदम नहीं है ऐसा, मैं 2004 से 2024 20 साल के आंकड़े लेकर बैठता हूँ। महंगाई आपके दौर में, सुनो ना सर, आप पहले सुन मेरी बात तो सुन लो, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो इसलिए मेरा सुन लो, महंगाई का आंकड़ा किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे आपके यहाँ ज्यादा था, नंबर वन। नंबर टू, अभी आप तुरंत कहोगे देखो 800-900 रुपए का सिलेंडर मिलता है, 90 रुपए लीटर डीजल मिलता है, ये सब बोलोगे आप, ये बोलते समय अर्निंग का जो ग्राफ है वो कोई देखता ही नहीं है। रियल वेजेस कितने बढ़े हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के जब आप देखेंगे और उस नंबर को आप सामने रखेंगे एवरी ईयर 2004 टिल डेट, आपको दिखेगा कि आपके दौर में यूपीए 1 और 2 में इंफ्लेशन कहीं ज्यादा था। नंबर टू, उसकी क्या वजह? नंबर टू उसका बता नहीं, अरे अरे ये बहस का मुद्दा ये नहीं है, अभी राकेश जी कहेंगे अपनी बहस चलने लगे, हमारी आपकी किसी दिन अलग से होगी इसी इकोनॉमिक इशू पे, अभी तो एक शो हम करेंगे ना इस पे जिस दिन आर्थिक मसलों पे बहस होगी। ये आंकड़ों का खेल है और जो सरकार से जो आंकड़े आते हैं वो मेरे हिसाब से फर्जी है। हाँ, ये आरोप आप लगा सकते हो कि आरबीआई के आंकड़े फर्जी हैं, सीएसओ के आंकड़े फर्जी हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े फर्जी, ये आरोप आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप आरोप मत लगाओ, आरोप लगा सकते हैं। चलो वापस बैक टू अपन आवर टॉपिक, राकेश जी थोड़ा जवाब दीजिए फिर मेहमान के पास जाता हूँ।
मैं तुम्हें कितना अनुरोध के साथ केवल कह रहा हूँ, संकट होता है, मैं जानता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए भारी संकट होता है जब जब राहुल जी मुंह खोलते हैं तो न केवल वोट खराब कम करते हैं बल्कि कांग्रेस के नेताओं के प्रवक्ताओं के लिए भारी संकट उत्पन्न कर देते हैं। अब मुश्किल होती है ऐसे विषयों पर समाधान करना, उनके दिए गए वक्तव्य का बचाव करना, इसलिए गोल पोस्ट चेंज करने का प्रयास करते हैं। वो भाग करके महंगाई पर जाएंगे और महंगाई पर तैयारी करके आए नहीं है, इसलिए महंगाई पर जैसे ही जाएंगे वैसे ही फंस जाएंगे, जैसे ही बेरोजगारी पर जाएंगे वैसे ही फंस जाएंगे। मणिपुर का हवाला देंगे लेकिन संदेश खाली पर बात नहीं करेंगे। मणिपुर का पर जब बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या आपके समय में क्या थी और आज हमने उसका समाधान कैसे किया है इस पर बात करने का प्रयास नहीं करेंगे। सच यह है हम तो चाहते हैं समग्रता से मुद्दों पर बात, आइए ना तय करिए जिस मुद्दे पर कहेंगे हम उस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके साथ संकट है। आप गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बना करके प्रयास करते हैं, अपने प्रयास का थना राफेल राफेल चिल्ला रहे थे, राहुल फेल हो गए, ये स्वीकार करिए कि राफेल का मुद्दा आपने गलत उठाया था, उस पर आपको मुंह की खानी पड़ी जिसकी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है राकेश जी, अब अभी इधर दो और मेहमान हमारे साथ, प्रेम कुमार जी और सज्जन कुमार जी, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। प्रेम कुमार जी, ये जो मसला अब खड़ा हो गया है, अब चुनाव तक ऐसे ही चलेगा, अब ये राहुल गांधी जी को क्या जरूरत थी हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का मैं नाश करूंगा ये बोलने की, इसको खत्म करना, इसी से हम लड़ रहे हैं। नीरज जी, जी जो बात राहुल गांधी ने कही है और जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से पेश किया है, नरेंद्र मोदी जी ने गलत तरीके से पेश किया है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है कि राहुल गांधी ने वो नहीं कहा है जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई यही है चुनाव में। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि शक्ति पर हो जाए फैसला तो विपक्ष को ये चुनौती स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ शक्ति पर ही फैसला होगा। और वो तमाम बातें जैसे आप देखेंगे कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता आज बोलते रहे, ट्वीट किया, सबने शक्ति का मतलब दुर्गा शक्ति, पार्वती, इस तरीके से देवियों से लगाया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा नारी शक्ति बोल करके उन्होंने एक रूप दिया और आदि आबादी से जोड़ा, जाहिर बात है वो वोट बैंक को संबोधित कर रहे थे और उनकी मंशा वो है, तो उस हिसाब से बात होगी। राहुल गांधी ने गलत उलत नहीं बोला है, हिंदू धर्म में शब्द है, शक्ति है, कौन बोलता है कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शक्ति में हम कहना चाहते हैं कि कौन सी शक्ति, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो गलत शक्तियां है उसी का जिक्र किया, कोई गलत नहीं बोला। लेकिन ये बता करके कि राहुल गांधी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पकड़ लेते हैं और उसका उनको राजनीतिक लाभ हो जाता है, अतीत में ऐसा हुआ था अब भी ऐसा होगा, इस तरह से बोलने का ये भी एक प्रोपेगेंडा ही होता है और वो हो रहा है और राजनीति में ये स्वभाव है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। क्या इससे फायदा होगा क्या? मैं अच्छा चलो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ये जो अभी राहुल जी ने बोला इससे उनको लाभ होगा कि नुकसान होगा? देखिए 2019 की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बहुत बदली है, बहुत बदली। मैं एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा उदाहरण। आज सब लोग लिख रहे हैं ना कि मोदी का परिवार, और मोदी का परिवार लिख करके वो कह देते हैं कि आप एक ट्विटर पे करा देते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं या राहुल गांधी को चाहते हैं, और उसमें फेवर में आ जाता है राहुल गांधी के का नंबर, और लिखा रहता है मोदी का परिवार वाले करा रहे हैं ये सर्वे और उसमें राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिल रहा है। तो ये उलट गया, 2019 में ऐसा नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। तो इसलिए आप आइए पिच पर, ठीक है उसी ढंग से आइए, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए राहुल गांधी को ओके। सज्जन कुमार जी, परिस्थितियां बदल गई हैं और प्रेम कुमार जी कहना राहुल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश में लहर चल रही राहुल जी की इस समय। नहीं देखिए इस पे तो उनका अपना सोचने का नजरिया है, लेकिन जहां तक लहर की बात है तो देख लीजिए दिसंबर से लेके अभी तक बिहार को आप एक एक्स फैक्टर मान रहे थे कि वहां पे बीजेपी के विरोध में कुछ हो सकता है। अभी बिहार जो है अभी बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है, जो जमीनी स्थिति है उसी तरीके आप बंगाल में आप जाके देखें अब जो भी नतीजा हो, लेकिन हर कोई मान के चल रहा है और जनता के बीच में है कि 2019 से जो 18 सीटें थी उससे ज्यादा आएगा। तमिलनाडु में जहां इनका कोई आधार नहीं है अभी आप देखिए वहां पे वोट परसेंटेज ठीक ठाक मिलेगा। पीएम के अभी अभी जो पार्टी है नॉर्थ तमिलनाडु में वानियार कास्ट, ये अच्छी उनकी पकड़ है, उनसे इनका साठगांठ हो गया और काफी कुछ चल रहा है।
और बाकी आप देखिए उड़ीसा में और असम में तो हो ही रहा है, तो तमाम जगह बीजेपी कम से कम चुनावी रणनीति और जो सामाजिक आधार है उसको साधने की जहां तक कवायद है उसमें काफी आगे है। उस लिहाज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तो फिर भी उन्हें एक ट्रैक्शन मिला था, भारत न्याय यात्रा में तो बिल्कुल, ये आप कहें कि इसका जो भी उद्देश्य रहता हो इसने कभी भी कोई लोगों के बीच में या मीडिया में या कहीं भी कोई एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा नहीं किया। तो लहर की बात तो बहुत आगे की बात हो जाती है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात देखिए राहुल गांधी जी के बारे में और एक निष्पक्ष रूप से अगर आप देखें, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी हिंदी में आर्टिकुलेशन उनकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हमेशा वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं उसके बीच में कोई सामंजस्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक नेता को, अगर आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष की, तो होता है कि आप एक स्क्रिप्टेड स्पीच को हमेशा फॉलो करें। राहुल जी की सबसे बड़ी एडवाइजर कौन है समझ में नहीं आता है कि हमेशा वो जो स्क्रिप्टेड स्पीच या तो होता नहीं है या होता है उससे वो अलग निकल जाते हैं। अब आप समाज में जब आपको पता है कि शक्ति शब्द का एक पॉपुलर रिसेप्शन क्या है, हर किसी को पता है, भारत में आप साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं भी चले जाएं, जब आप बोले कि हिंदू धर्म में शक्ति है तो इसका कॉमन सेंसिकल पॉपुलर रिसेप्शन क्या है कि ये देवी से इसका तात्पर्य होता है। बाद में आप कितना भी कहें कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था, तो पहली बात तो आपने की जो आप शब्दों का चयन कर रहे हैं उसको कैसे रिसीव किया जा रहा है आप उसके पीछे नहीं गए हैं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपने जानबूझ के नहीं कहा। दूसरी बात, आप ही के दल के जब जो घटक साथी लोग हैं, जब डीएम के सनातन विरोधी बात करता है और खड़गे साहब के जो पुत्र हैं प्रियांक खड़गे साहब वो उसके डिफेंस में आ जाते हैं, तो वहां पे आपका ऑलरेडी एक सनातन विरोधी पृष्ठभूमि है और फिर आप शक्ति जैसे शब्द से लड़ने का एक ब्लंडर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी प्रोपेगेंडा करे या ना करे समाज में ऑलरेडी इसका एक निगेटिव रिसेप्शन जाता है और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी एक हेडेक बन जाती है, बर्डन बन जाती है कि वो तमाम तरीके से इसको डिफेंड करे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लीडर की जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, राहुल गांधी उस कसौटी पे बहुत ही बुरी तरीके से हर बार फेल होते हैं। स्क्रिप्टेड आप नहीं बोल सकते हैं, इम्प्रॉप्चू और सडन तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से, तो आप एक स्क्रिप्ट को फॉलो करें। बहुत सारे नेता है विजय त्रिवेदी जी, देखिए यहाँ पे ये कह देना भी, जैसे अंशुल जी भी हम ही को निपटा रहे थे कि मीडिया वाले जो है ना ये शब्द लेके कूद रहे हैं और इसकी व्याख्या कर रहे हैं, फिर प्रेम जी ने भी कहा जो बात अभी सज्जन कुमार कहते ना उसको समझने की कोशिश करिए। प्रियांक खड़गे ने क्या बोला था, स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला था, तमाम आरजेडी के नेताओं ने क्या बोला है, जब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आप आते हैं और कोई स्लिप ऑफ टंग भी मान लीजिए अगर हुआ, तो वैसे तो राकेश जी कह रहे हैं इंटेंशनल है, लेकिन अगर स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है तो बैक ऑफ माइंड में आपके वो रहा होगा। इस बात को जनता समझती सर, ये मैंने कई बार कहा आवाज अड्डा में अपने कि हम लोग यहाँ ऐसी डिबेट कर लेते हैं हम लाइब्रेरी में बैठ के ना प्रोफेसर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शक्ति की अवधारणा पर निबंध लिखा जाएगा एक, अरे भाई साहब वहाँ पर ननकू को समझाना है आप वो नहीं समझ रहे हैं, ये न्यूज रूम का डिस्कशन थोड़ी कि चार कलीग बैठ के हा वो कर रहे हैं कि आज कौन जीतेगा, चलो हम ये अपने ज्ञान को आप लोग प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो नीचे समझाना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब आप लाख कहते रहो कि मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन नीचे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो विजय त्रिवेदी मेरा सवाल ये है कि जो सवाल मैंने अभी पूछा था कि एक जनरल परसेप्शन है कि भैया इस समय तो ये हो गया है और हर एक बॉल पर सिक्स लग रहे हैं, सामने वाले को लगता है ये हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, आप बताओ क्या चल गया। हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जर्नलिस्ट, में समझ नहीं आता मुंबई बैठ के लखनऊ क्या चल रहा है, बताओ सर क्या चल रहा है। नीरज जी मुद्दा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज इस पे शक्ति पर बहस करने का वो मौसम नहीं है ना कि भाई शक्ति का सही शब्द कैसे करेंगे, और फिर हो सकता है कुछ विद्वान लोग हैं जैसे आप सब लोग हैं, आप कुछ वेदों की भी चर्चा कर सकते हैं कि वेदों में शक्ति पर क्या कहा गया है और नहीं कहा गया, वो मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स तो परसेप्शन की बात है ना, परसेप्शन में क्या जा रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स में। और यदि गलत नहीं है, उनकी भी इच्छा भी गलत नहीं है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, तो फिर माफी मतलब उसको करेक्ट करने की या उस पर सफाई देने की भी जरूरत नहीं है, आपको स्टैंड करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं यदि आप किसी बात से कन्विंस हैं तो आप उस पर स्टैंड कीजिए। पॉलिटिक्स में स्टैंड करना, कन्विक्शन होना, कमिटमेंट होना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उससे तुरंत बदल जाते हैं इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को मानने लगते हैं कि आपने गलत किया है।
एक तो ये है परसेप्शन की बात, और पॉलिटिक्स तो सारी की सारी आजकल क्या हो रहा है, इश्यू से ज्यादा किन इश्यू से कैसे परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हो रहा ना सर, आप 2007 में मौत के सौदागर से यहां तक आ जाइए, आप हर बार नुकसान के उस पर रहे, नुकसान उठाना पड़ा है आपको। और ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया हो, भारतीय जनता पार्टी को त्रिपाठी जी को पता हो कि 2022 का नतीजे कुछ और हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, लेकिन उनको पता पड़ा कि कुछ गलती हो गई थी 2022 में। और त्रिपाठी जी को तो यही पता कि कई लोगों को अभी तक उन्होंने दिल से माफ नहीं किया जो कुछ बोला। तो आपको ध्यान रखना कि पॉलिटिक्स जो है लोगों को कम्युनिकेट करने का एक स्किल है, सबसे बड़े काम है कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपकी, और आप कम्युनिकेशन स्किल में अगर हर बार ट्रैक से उतर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैं स्क्रिप्ट पर नहीं जाना चाहता, मैं राहुल जी को कोई सलाह देने वाले लोगों में से भी नहीं हूं कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स है और उसमें क्या गलत है क्या सही है ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, कैसे कम्युनिकेट किया गया है। और यदि प्रधानमंत्री या बीजेपी उसको दूसरे तरीके से कर रही है तो ये भी आपकी कमजोरी है ना, आप उसको कर लेते, मैं उसको अपराध के तौर पर नहीं देख रहा ना। तो आप कम्युनिकेशन स्किल में वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर ज्यादा संभल कर रहना चाहिए आपको। अभी मोदी के परिवार की बात हुई, मोदी वो चौकीदार चोर की भी बात हुई, फिर हर मोदी चोर है, उसमें तो अभी तक कई विजय जी एक चीज और बताऊं, मांगने का सिलसिला चलता वो जो रैली हो रही थी ना शिवाजी पार्क में, ये तो एक शब्द है जिसपे इतनी बहस हो रही है, उसमें बाकी जो महाविकास अघाड़ी के नेता क्या क्या बोल रहे थे, अंशुल जी ने जरूर सुना होगा जी, वो बहुत सारी मैंने भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं जहां पे पर्सनल अटैक था, बोलते गए लोग बोलते गए। अब राहुल जी की इसलिए ले ली जाती क्योंकि राहुल जी बड़े नेता हैं, और उससे तो नीचे और खराब चीजें बोली गई महाविकास जी। मुझे मैंने सुनी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो कैसे उसको उठा रही है। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि महाराष्ट्र में इतनी शानदार रैली की है तो उसके बाद कम से कम एमवीए का तो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है वो उसका अनाउंसमेंट कुछ हो सीट शेयरिंग कैसे हो जाएगी आज वो कौन सा एक दूसरे चौथे नंबर वाले जिनके सहयोगी वो अड़े हुए उनको कुछ मिल नहीं रहा इसलिए वो सीट शेयरिंग फंस गई। ये लोग कुछ देना, हाँ अम्बेडकर साहब को ये कुछ देना नहीं चाहते, वो लेना चाहते हैं, उसी में गाड़ी फंस गई है यहाँ पे। अरे ये तो छोड़ो सर, ये ज्ञान चर्चा ज्यादा नहीं, माहौल क्या है ना कि आप सोचो कि बिहार में वो चिराग पासवान को समझा लेती है पार्टी, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को, आप अभी तक वहां पर, तो बिहार में मुझे बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का मुझे था कि वो जल्दी हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो आप उस सब काम पर फोकस करिए, या करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन की बात है। इसमें बहुत ज्यादातर तौर पर मैं इस बात पे जाता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप इसको समझाने लगेंगे तो फिर वही वेद विज्ञान वाली बात हो जाएगी, जनता कैसे कम्युनिकेट कर रही है, जनता कैसे ले रही है। इसलिए मैंने 2022 का भी उदाहरण दे दिया, केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं पर भी कोई भी चीज जो है कैसे परसेप्शन में ली जा रही है वो महत्वपूर्ण है। और अब तो सर चुनाव आ ही गए, अब तो सर पर, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को पता है कि नहीं पता कि सर पर आ गए हैं या हो ही गए अनाउंस, पता होगा, ऐसा नहीं होगा सर, अंशुल जी पता है ना चुनाव अनाउंस हो गए, अब विजय जी भी था सब बाउंसर मार दिया एकदम, चुनाव पता है, बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई है, अंशुल जी तैयार थोड़ी गेरअप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इसके बारे में कभी हमने तवज्जो दिया ही नहीं और हम बस एक सवाल, बिहार में तो नीतीश जी निकल लिए, अब बचे दो लोग आप मेन, अभी भी सीट में क्या झंझट है, आजादी बांट लो। नहीं देखिए, आप समझते हैं इतना ही सरल है, नहीं तो उसमें बात होती है, बातचीत होती है, महागठबंधन है, सबकी राय ली जाती है, एक प्रक्रिया होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप बेसब्री कैसे, तो हो जाएगी ना, वो तो आप अपने वो तो हम करेंगे ही, तो इसमें क्या, अच्छा ठीक है आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी तैयारी जो है वो दुरुस्त नहीं है, हम बिल्कुल मजबूत हैं, हम सुदृढ़ हैं और तैयारी को लेके हम मैदान में आएंगे, इसका ये दोनों बात तो इसकी, ऐसा हमने पहले भी दो लिस्ट तो हमारी डिक्लेयर हो चुकी हैं और ये अप्रत्याशित है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और हमने किया है ऐसा। आखिरी में वक्त में ऐसा क्या होता है कि जब सीटों के चुनाव की गर्मी में बहुत बहस होती है, बहुत ज्यादा दावेदार होते हैं एक सीट पे, और ये अच्छी भी बात है, तो उसमें भी चयन करना पड़ता है ना, तो आप ये जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, अपने वक्त पे ये हो जाएगा, जरूर होगा। लेकिन देखिए परसेप्शन, विजय जी ने परसेप्शन की बात की, तो परसेप्शन तो आज ये है इस मुल्क में, माहौल में,
कि जो भाजपा जो सरकार है ये जो चला रही है वो एक आतंक फैला रही है। ये बहुत बड़ा परसेप्शन है कि उसने सियासत को एक बाजार में बदल कर दिया है जहां पर खरीद फरोख्त की राजनीति होती है, किसी भी स्तर पर कोई गिर सकता है। ये परसेप्शन है भाजपा के बारे में कि आपने सियासत को एक बिल्कुल बाजार बना दिया है, यहाँ पर राजनीति को मार्केट प्लेस हो गया है यहाँ पर। ये परसेप्शन, ये जो ऑपरेशन कमल जो बार बार का जिक्र हो रहा है, किसी भी सरकार को आप किसी भी वजह से गिरा सकते हैं, किसी को खरीद सकते हैं, यहाँ पर लोग इतने सस्ते हो गए हैं राजनेता, ये परसेप्शन है यहाँ पर कि आतंक है, कार्यपालिका का आतंक है कि जो जितनी भी। अंशुल जी एक मिनट सुनो ना यार, आप अंशुल जी एक कम से कम एक दर्जन से ज्यादा ओपिनियन पोल आ चुके हैं, किसी में मुझे ये परसेप्शन नहीं दिखा सर। है परसेप्शन आप अरे कैसे दिखेगा, मतलब कोई मीटर कोई थर्मामीटर कोई चीज होगी आप ना माने तो यहाँ पर कमर नहीं, 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 मैं तो अरे मेरे मानने को छोड़ो, मैं कौन हूँ, मैं अदना सा पत्रकार हूँ, मैं कह रहा हूँ इतने एक दर्जन आप हमारे चैनल को नहीं मानते तो 10 और चैनलों ने किया, किसी में तो आना चाहिए था। नहीं देखिए नीरज भाई, आपके शब्द उस तरह के हैं ना, एक पूर्व वित्त मंत्री जिन्होंने संसद में कहा था कि विपक्ष तो महंगाई ढूंढ रही है और यहाँ पर जो गरीब आदमी है उसकी थाली तो खाद्य वस्तुओं से भरी पड़ी है। नहीं ए, ए, ये आपके शब्द है, ये आपके सर आपके यहाँ के एक नेता थे, नेता है भाई अभी भी है राज बब्बर जी, उन्होंने कहा था बहुत सस्ती थाली मिलती है लाल किले के आसपास कहीं पे 5-10 रुपए की। आपने हमारे ऊपर मत बिल फाड़ो जरा, वह राज बब्बर जी ने कहा था बहुत सस्ता खाना मिलता, मुझे याद है, है ना। और सुनिए आप, और सुनिए अब आपने छेड़ दिया, सुनिए आप आपके तो आपके जो पूर्व वित्त मंत्री हैं चिदंबरम जी, अरे सुनो ना सर, चिदंबरम जी जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, गृहमंत्री भी रह चुके हैं, एक बहुत सार्वजनिक मंच पे उन्होंने स्वयं मोदी गवर्नमेंट की तारीफ की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया इन्होंने, मैंने नहीं किया था, मोदी वित्त मंत्री जी ने किया था, पूर्व वित्त मंत्री जी चिदंबरम जी ने। लगता है आपने उनके जो जो चिदंबरम जी के जितने भी ओपेड्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा लो लो लो, अच्छा ताजा एकदम गर्मा गर्म लो सर, एकदम गर्मा गर्म। अभी दो दिन पहले एक बहुत बड़े चैनल पे, बताइए बताइए, बहुत बड़े चैनल पे बैठे थे, नहीं मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा, उनसे पूछा गया कि क्या स्थिति है चुनावी, कौन जीत रहा, कौन कितनी मजबूत है, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दी थी कि मेरा असेसमेंट सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित है, इसके बाहर मेरा असेसमेंट नहीं क्योंकि मैं कहीं गया नहीं हूँ, हिंदी हार्टलैंड में हाँ डेफिनेटली क्या हो सकता भी मैं कुछ कह नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना, ये चिदंबरम जी दो दिन पहले एकदम गर्मा गर्म ताज़ा बोला है। एनीवे सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं अंशुल भाई, छोटा सा ब्रेक लौट के तुरंत आते हैं, छोटा सा। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2024 का माहौल क्या है, उसके बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम साथ साथ आते रहे, उससे बातचीत हो रही है। अब मैं राकेश जी से बात करना चाहता हूँ, सज्जन जी से। राकेश जी, यूपी में आपकी भी कुछ सीटें बाकी हैं जो आपने अनाउंस नहीं की हैं, कब करेंगे भाई, 30-40 दिन रह गए, इनको तो आप सुनाते रहते हैं कि ये नहीं किया वो, आप क्या कर रहे हैं? देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर केवल आप यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में 51 सीटें अपनी घोषित कर दी है। और यूपी में इस समय भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने इतनी सीटें अकेले घोषित कर दी हो। भाजपा अभी भी सबसे आगे है अगर केवल सीटें घोषित करने के मामले में देखें। जब हम इस समय चर्चा कर रहे हैं तो अभी उत्तर प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो चुकी है, मुझे लगता है वो नामों पर शायद बातचीत हो गई होगी और बहुत जल्दी ही आपको वो नाम घोषित होते हुए दिखाई देंगे। और महाराष्ट्र में नहीं, अभी आगे भी महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे, सबसे ट्रिकी स्टेट है, महाराष्ट्र में भी कर देंगे। आप विश्वास मानिए बीजेपी अभी भी सीट डिक्लेयर करने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है, अलायंस पार्टनर के लिए हमारा समझौता क्या है ये डिक्लेयर करने के मामले में सबसे आगे है। ये सवाल तो इंडिया अलायंस से पूछा जाना चाहिए, आप खुद से पूछो तो इंडिया अलायंस से पूछो, आप अपनी पहले तय करो ना, आप अपनी महाराष्ट्र घोषित कर दो तो मैं पूछ लूं। अभी देखिए बिहार का आज अनाउंस कर दिया, बिहार का अनाउंस कर दिया हमने, अंशुल जी आज पूछ लेते हैं, छोटा छोटा जवाब अंशुल जी, कब 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 अनाउंस करेंगे इसके साथ, क्या नहीं जब हो जाएगा वक्त पे जरूर होगा, अब ये कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा कि वो पहले करेंगे। नहीं उनको छोड़ो, उनकी आप उनकी बात ही मत सुनो, आप सिर्फ अपनी बताओ, अपनी बताओ, उनकी बात ही नहीं कर रहा। नहीं आप ही कह रहे हैं कि कब हो गया, उनकी हो गई आपकी क्यों नहीं हुई, तो मैंने ये सवाल नहीं कहा, मैंने कहा कब होंगी आपकी, उनका तो मैंने रेफर भी नहीं किया। बिल्कुल वक्त पे होंगी, वक्त के बाद तो नहीं हो सकती ना।
नहीं, ऑफ कोर्स आप 4 जून के बाद थोड़े अनाउंस करोगे, उससे पहले ही करना पड़ेगा। बट मेरा कहना है 40 दिन बाकी है, प्रत्याशियों को समय देंगे कि नहीं देंगे आपकी चुनाव की तैयारी में? बहुत लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि क्या कहां लड़ेंगे, पैसा जुटाएं, खर्चा लगता चुनाव में। बात कर रहे हैं ना, मैदान की बात कर रहे हैं हम, जाके अपना अपने जो मुद्दे हैं, जो सकारात्मक मुद्दे हैं, हम अपनी जो गारंटीज है वो लेके आवाम के पास जाएंगे। वो डिक्लेयर भी हो गई है एक तरह से, हमारा घोषणा पत्र, कल CWC की बैठक भी है शाम, कल सुबह सुबह, उसमें घोषणा पत्र पे भी चर्चा होगी। लेकिन बहुत सारे जो हमारे गारंटीज हैं, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, श्रमिकों को लेके, किसानों को लेके, वो डिक्लेयर हो चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और सामाजिक न्याय को लेके, ST SC सब प्लान को लेके, ये सब हमने डिक्लेयर कर दी है। और इन मुद्दों को लेके हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम का विश्वास जीतेंगे, ये हमारी तैयारी है। सीटें तो आएंगी, डिक्लेयर होंगी, आप ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, वो अपने वक्त पे जरूर होंगी। हम जी प्रेम कुमार जी को लेके आइए। प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ा फैक्टर 24 का क्या होने वाला है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, सरकार के खिलाफ जो असंतोष है उसको लेकर के होगा, जो सरकार की नाकामियां हैं उसको लेकर होगा, और गरीबी बेरोजगारी का सवाल इम्पोर्टेंट है, उस पर बात होगी। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर धंधा देने का जो खुलासा हुआ है, ये मुद्दा जनता के घर तक जाएगा। हाँ, तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा है, और जो उन्होंने 370 किए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, मोदी की गारंटी है, ये सारा मुद्दा बीजेपी की तरफ से है। और इन मुद्दों के बीच आमने सामने तकरार है, और ये देखना है कि 2004 आपकी बार 2004 होता है या आपकी बार मोदी सरकार होता है, इससे तो ये लड़ाई है। प्रेम कुमार जी, ये बताइए कि क्या वाकई चंदा लेकर धंधा दिया गया है? टीवी सर, टीवी चला रहे हैं आप? ये तो आप कोर्ट अभी आने दीजिए तो अधिकृत रूप से पुष्ट हो जाएगा। अनधिकृत रूप से तो ये दिख रहा है कि CBIT ED जब जा रही है उसके तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे दिए गए हैं, ये दिख रहा है। अब जब कोर्ट सामने आएगा तो वो और स्पष्ट होगा। तो क्या सभी दलों के पास ED CBI है क्या, या सब लोगों ने धंधे दिए हैं सबको चंदे के लिए, जो सत्ता में वो पैसे दे रहे थे धंधा? से सच्चाई छिप नहीं सकती है। जो 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 मैंने कहा है वो सबूत है ना, वो तो दिख रहा है, लेकिन अधिकृत सबूत तब होगा जब कोर्टिंग सामने आ जाए। अरे सर, मैं तो वही सवाल तो मेरा पूछ रहा हूँ कि जिनके पास ED CBI नहीं है, जिनके पास कोई सरकार नहीं, वो धंधा कैसे दे रहे थे चंदा के बदले? नहीं, उनके पास कुछ और हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और शक्तियां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पार्टी के पास डबल इंजन की शक्तियां हैं। जिनके पास ताकत है वो धंधा देंगे, जिनके पास नहीं वो कैसे देंगे, मैं वो समझ रहा था। ये अभी और समझ में आएगा, अभी आने दीजिए, 21 तारीख को डेटा आने दीजिए ना सामने। जी अच्छा, लड़ाई किसकी, ज्यादा कम पैसे की है उधर, ज्यादा कम पैसे का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या बात कर रहे सर, सारा डिबेट इसी में चल रही है कि ज्यादा किसको मिला, कम किसको मिला। मेरी औकात ज्यादा थी तो हमको ज्यादा मिल गया, उसकी औकात नहीं थी तो उसको कम मिल गया। हाँ। ये तो वो लोग बोल रहे हैं जो असल चंदे के धंधे को दबाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे प्रेम कुमार यहाँ फंस गए आप, ये तो विपक्ष कह रहा था कि इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उनको 7,000 करोड़ क्यों मिले, ये मूल सवाल है विपक्ष का। सज्जन कुमार जी, मूल सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनको 7,000 करोड़ क्यों मिले, क्योंकि वो धंधा दे रहे थे। तो अब 20,000 में से 7,000 घटाओ तो बचते हैं 13,000, तो 13,000 में भी तो धंधा मिल ही रहा था ना सर। सज्जन जी, आंकड़ा थोड़ा अपडेट कर लिया जाए, 8,000 करोड़ से ज्यादा का बीजेपी का। अरे चलो 8 मान लो, तभी 12 बचा सर, अभी तो फाइनल आ जाएगा, ज्यादा है बीजेपी के। जी सज्जन जी, थोड़ा सा अपडेट कर लिया। नहीं नहीं, देखिए इसमें नीरज जी, देखिए अंशुल भाई तो तीसरी पीढ़ी है, मतलब इनकी तो 2 पीढ़ी और बड़े शीर्ष नेता रहे हैं कांग्रेस में, तो ये आप इसमें देखिए वो इसको बेहतर समझेंगे कि कब ये नहीं रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी रही है और बड़ी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी रही, जब कांग्रेस अपने जमाने में मतलब जनसंघ को एक जीप मिल जाए चुनाव में, 50 और 60 के दशक में बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होती थी, उनके बड़े नेताओं को एक जीप मिलना ये होता था।
और आप देखेंगे दूसरी तरफ क्या है कि कांग्रेस के पास जितने भी लोग थे, जबकि रेड टेपिज्म था, सब कुछ था, फिर भी सारे के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे वो देते थे, वो उनको जो डोनेशन देते थे। स्वतंत्र पार्टी बनी थोड़े दिन के लिए, स्वतंत्र पार्टी भी जनसंघ से ज्यादा चंदा ले आई थी 1962 के चुनाव में। ये ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इंडियन कंजर्वेटिज्म पे जो बुक है स्वतंत्र पार्टी में, इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं कि किस तरीके से। तो ये जो आंकड़ों का जो बड़ी पार्टी को ज्यादा क्यों मिला, ये सवाल अगर आप देखें। हाँ, अगर आप नैतिक रूप से देखें कि सबको बराबर मिलना चाहिए तो आप डोनेशन की पूरी परिपाटी को ही क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन होता है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि दूसरी सबसे जो इसकी बेनिफिशियरी है तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस है। इन लोगों ने भी जब बात आया कि भाई आप इसको ट्रांसपेरेंसी में बताएं कि किन किन से आपको मिला है, तो कोई पार्टी ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि देखिए एक कॉरपोरेट सेक्टर में और पॉलिटिकल पार्टी में एक ट्रस्ट का भी चीज होता है, उसको आप पॉलिटिकल मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल मोरालिटी से अलग होती है, वो एक कमिटमेंट होता है। और कल के डेट में अंशुल भाई है या सब लोग बताएंगे, आप ये बताएं राहुल जी पता नहीं कौन एडवाइजर है उनका, बार बार एक खास उद्योगपति को काफी टारगेट करते हैं कल के डेट में। और तृणमूल का भी वही हाल है, महुआ मोइत्रा जी जो है पूरा का पूरा अपना कैरियर ही उसी में बनाई और बिगाड़ी। कल के डेट में अगर सामने ये बात है कि क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डोनेशन मिला है उसमें उन खास उद्योगपति के तरफ से, अडानी जी की तरफ से इनको कोई चंदा ना मिला हो, तो ये चंदे के सवाल पे जो है ये हमाम में सब है बराबर के हिस्सेदार। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बेनिफिशियरी है कि जी इसमें चूंकि बहुत सारे नाम आ गए और बहुत सारी कंपनियों के जो नाम आए ना उन्होंने सबको दिया भी है ये सब चीज, लेकिन अभी समय एकदम कम है। विजय जी एक मुझे बहुत प्रिसाइज कमेंट चाहिए, एकदम बुलेट वाला। अब चूंकि रोक लग गई चंदे पे बॉन्ड पे और कैश वैश तो ले नहीं सकते, अब अभी चुनाव के लिए पैसा लिया कैसे जाएगा ये बताओ मेरे को, चंदा कैसे आएगा? अब नीरज जी यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, चंदा कैसे आएगा तो बाद का सवाल है, लेकिन ये जो चंदा आया, एक तो मैं इस बात पर मुझे बेहतर लगेगा कि यदि पॉलिटिकल पार्टी जिसको इशू बना ले चुनाव में, इस चंदे को, चंदा और धंधा दोनों को पॉलिटिकल पार्टी, किसी की हिम्मत है तो वो यदि इसे इशू बनाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आप इतने छोटे से चंदे को, 20,000 करोड़ रुपए का चंदा है ना, इसमें मैं जा नहीं रहा किसके पास ज्यादा गया कम गया, वो 52 सीटों वाली पार्टी के पास 2,000 करोड़ रुपए मिला चंदा और 303 पार्ट वाली को 8,000 मिला, तो बराबर ही हुआ मतलब पैसे के हिसाब से देखें, वैसे कम ही हुआ होगा उनको, वो त्रिपाठी जी शिकायत कर सकते हैं कि 18 राज्यों में सरकार है फिर भी कम चंदा मिला, मैं उस इश्यू पर नहीं जा रहा। लेकिन सर आप तो विद्वान लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया 2019 के चुनाव में, यस खर्चा किया 60,000 करोड़ रुपए, और ये आपका रिकॉर्ड कह रहा है, आप तो इतने से कागज बता रहे हो मुझे 20,000 करोड़ के, तो वो 40,000 करोड़ रुपए का हिसाब कहां पर है मुझे बताइए। और फिर ये भी बताइए, जैसे अभी सज्जन जी ने भी बात की कि दो तीन बड़े उद्योगपति घराने हैं देश में, तीन चार होंगे, दो नहीं कहिए, चार कहिए, पांच कहिए, उनमें से एक का भी नाम इसमें नहीं है, तो वो तो बहुत ही हैरान है कि वो लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्चुअली। तो अभी तो ये 60,000 करोड़ खर्च करते हैं और 20,000 करोड़ का हिसाब बताने में भी जोर आ रहा है विजय जी, और सब लोग आप हम्माम की बात कर रहे हैं, हम्माम में जी आपका पॉइंट एकदम सही है कि वो 60,000 करोड़ में 20,000 करोड़ चंदा दिख रहा है, कैसे हुआ ये तो आप बैलेंस शीट खंगाल के आपने एकदम ना सामने रख दिया, ये लो बताओ हिसाब। मैं तो उससे आगे कर रहा हूँ, अभी जो आसन्न चुनाव खड़े हैं 40 दिन में, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको बैन कर दिया गया है, आप बॉन्ड ले नहीं सकते, काला पैसा आप ले नहीं सकते, कौन उद्योगपति इस समय जाके आपको चेक काट देगा भाई साहब ले लो फिर कल से हम डिबेट शुरू करें हवाई अड्डा में, पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने का जो 60,000 करोड़ आप बता रहे हो। दे दिया कि 60,000 करोड़ है ना, अब फिर वही पुराने सिस्टम में चले जाए सर, इस पे तो भी आगे किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक दिन एक शो हम लोग करेंगे, गारंटी किसकी चलेगी, दोनों साइड से गारंटी आ रही है तो किसकी गारंटी चलेगी, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।